नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आज को मैं कुछ लाइव वीडियो बना रहा हूँ गोल्ड का ऊपर बेस करके। जैसे आप राइट साइड में देख सकते हैं, MGLD ये गोल्ड का कोड है, और ऊपर में इसका रियल टाइम वैल्यू अपडेट होते हुए दिखाई देगा। जैसे अभी वैल्यू चल रहा है 50,962। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है क्या और कैसे इसके ऊपर काम करना है। जनरली सॉफ्टवेयर का काम होता है मार्केट का बायर्स एंड सेलर्स को फिल्टर करता है, एंड ट्रेंड का ऊपर डिपेंड करके आपको सिग्नल देता है, जो कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, एग्जिट कब करना है, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अगर मैं चार्ट में एकदम बिगिनिंग से देखता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको एक रेड कलर का देखिए एरो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द सेल कॉल, एक कल का कॉल है। तो ये जो सेल का कॉल दिया था, ये 6 जनवरी मतलब कल कल को दिया था ये सेल का कॉल। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा साउंड के साथ। तो ये जो लंबा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये इस कैंडल में सेल का कॉल दिया है। तो जिस कैंडल में कॉल बनता है, वो कैंडल खत्म होने के बाद नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना चाहिए, तब जाके कॉल कन्फर्म होगा। एक बार नेक्स्ट कैंडल बन गया तो इसका मतलब है कॉल कंफर्म है, अब ये कॉल रिपेंड नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैंडल में कॉल बना, सेकंड कैंडल के लिए आपको वेट करना है। जैसे सेकंड कैंडल बन गया, मतलब कॉल कंफर्म हो चुका है। अब हमको कुछ कंडीशन देखना पड़ेगा, जो ये कॉल कितना सही है। कॉल तो बहुत सारा बनता है, जैसे हम लोग देखते हैं कुछ कॉल अचीव होता है, ऐसा बहुत सारा कॉल होता है जो अचीव नहीं कर पाता है। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ें, एक मिडिल में आपको रेड टाइप का कुछ बार दिखाई देगा मिडिल में, दैट इज ट्रेंड बार। तो ये जो कलर है, इसका कलर अगर रेड है, मतलब ये सेलिंग ट्रेंड के लिए है। नीचे में जो आपको ग्रीन और रेड टाइप का कैंडल दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द एक्चुअल प्राइस एक्शन कैंडल। और ऊपर का जो बार दिखाई दे रहा है, ये कैंडल स्टिक टाइप का या हैकेनेची टाइप का, ये आपका जस्ट कंडीशनल बार है। तो इस बार का कलर को देखना है रेड है या नहीं। और मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई देगा जो रेड होके नीचे की तरफ एकदम गिर रहा है स्मूथली, तो इसका ट्रेंड लाइन है। तो आपको ये दो कंडीशन को पहले मैच करना है, जो ये कंडीशन मैच है या नहीं है। अगर ये दो कंडीशन मैच है, तभी जाके आप एक कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। तो सोचिए सेकेंड कैंडल में खड़ा होके आपको ये दो कंडीशन को देख लेना है, और आपको दिखाई दे रहा है कंडीशन मैच है, मतलब ये सेल का कॉल आपके लिए एक अच्छा कॉल हो सकता है या एक प्रॉफिटेबल कॉल बन सकता है, मगर ऑर्डर कब डालना है दैट इज इम्पोर्टेंट। जिस कैंडल में कॉल बनता है, सपोज इस कैंडल में कॉल बना है लंबा सा कैंडल, जब तक इसका लो नहीं तोड़ेगा, जब तक इसका लो नहीं तोड़ेगा, तब तक आपको ऑर्डर नहीं डालना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए, आप इस कैंडल में ऑर्डर नहीं डाल पा रहे, या फिर इतना दूर तक आप ऑर्डर नहीं डाल पा रहे। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर पॉइंट पे, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो को तोड़ा है, तो लॉजिकली आपको ऑर्डर यहाँ पर डालना चाहिए। ट्रेड तो बहुत जन करता है, कोई सुबह 10 बजे ऑर्डर लगा लेता है, सोचिए उसको 2 बजे प्रॉफिट मिला, और किसी को 1:30 बजे सेम प्रॉफिट 1:30 बजे एंट्री लेके 2 बजे मिल जाता है। तो मेन चीज़ होता है लोकेशन आइडेंटिफाई, कहाँ पर मार्केट में एक्चुअल ब्रेकआउट हो रहा है, और वहाँ पर आपको एंट्री लेने से आपको रैपिड प्रॉफिट मिलने का संभावना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4 कैंडल में आपको लंबा प्रॉफिट देके गया था गोल्ड कल को, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये फ्लैट करके रखा था। तो ये जो कैंडल बना था, जिस कैंडल में सिग्नल बना था, उसका लो तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका बाद ही अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो आपको रैपिडली यहाँ पर एक मूवमेंट देके निकल जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। देखिए कल को ये कॉल, आज को जो वर्टिकली लाइन दिखाई दे रही है, ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है। जैसा सोचिए मार्केट आज को यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद आप वेट करेंगे नया कॉल के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का एरो बना है, दैट इज़ अ सिग्नल। मिडिल का कैंडल वायलेट है, देखिए उस टाइम मिडिल का लाइन रेड था, तो आपको वेट करना है कब ये लाइन रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो। मतलब ये देखा जाए तो यहाँ से आपका ट्रेंड बाइंग में गया है, और इसमें भी सेम लॉजिक है, जिस कैंडल में कॉल बना था उस कैंडल का हाई को ब्रेक करना है, मतलब लॉजिकली एक कैंडल ही इसका हाई को ब्रेक किया है। तो अभी इस मोमेंट में गोल्ड में बाइंग ट्रेंड चल रहा है, बाय का कॉल भी बन रहा है, मिडिल का लाइन भी ग्रीन है। तो जब तक ये लाइन ग्रीन है, मतलब आपका जो ट्रेंड है बाइंग ट्रेंड में ही है। राइट साइड में देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, जो अभी स्ट्रॉन्ग अप है, नियर अबाउट 79% अप बाइंग ट्रेंड है, मगर यहाँ पर मेन ट्रेंड को आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है मेन ट्रेंड, मेरा कर्सर पॉइंट को देखिएगा हमेशा, मेन ट्रेंड देखिए M5, M30, H1 एंड H4, ये चार टाइम फ्रेम ही मार्केट का मेन टाइम फ्रेम होता है। तो इसमें अभी दिखाया जा रहा है ट्रेंड आप, मगर ये वीक है। अगर ये स्ट्रांग होता तो यहाँ पर स्ट्रांग दिखेगा,
वीक का बाद आएगा मीडियम, उसका बाद आएगा स्ट्रॉन्ग। तो अभी आपका जो मार्केट में ट्रेंड है बाइंग में तो है, मगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब ये वीक में खड़ा है। तो जब तक ये लाइन का कलर ग्रीन है, मतलब आप बाइंग में ही कंटिन्यू कीजिएगा, मगर आपको थोड़ा वो अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर एक ग्रीन लाइन ग्रीन से रेड में चेंज हो जाता है तो आपको पोजीशन को छोड़ देना है। ऊपर में देखिए रेजिस्टेंस वन रेजिस्टेंस टू, आप इसको अपना टारगेट के हिसाब से भी लेके चल सकते हैं, जो इतना ऊपर तक मूवमेंट कर सकता है। और कितना ऊपर जाएगा मार्केट या कितना ऊपर आप अभी मार्केट में खड़े हैं, उसको समझने के लिए नीचे का ये व्हाइट लाइन आप देख सकते हैं। ऊपर में देखिए दो येलो डॉटेड लाइन है, नीचे में दो येलो डॉटेड लाइन है। ऊपर का जो दो येलो डॉटेड लाइन है वो आपका ओवर सोल्ड ओवर बॉट है, और नीचे का दो जो येलो डॉटेड लाइन है ओवर सोल्ड है। तो अभी जो व्हाइट लाइन मूव कर रहा है, ये ऊपर का येलो लाइन को जब तक टच नहीं करेगा तब तक आप मार्केट में अप ट्रेंड जा सकते हैं। जैसे ये लाइन आपको दिखाई देगा ऊपर का, दोनों येलो लाइन को ब्रेक कर चुका है या टच कर चुका है, आपको समझ जाना है जो आप ऑलरेडी एक ओवर बॉट में चला गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपको वहाँ पर प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए। तो ये जो रूल है, इस मार्केट में बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, सबको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और ये मार्केट टोटली ट्रेंड के ऊपर बेस करके चल रहा है, अगर आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सही हुआ तो आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अगर इस मार्केट रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो वीडियो के नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर मेरा चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके बहुत सारा वीडियो देख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।